यार 2 मिनट में आपका वॉइस कुछ ऐसे से ऐसे बन जाएगा और उसके लिए आपको कोई भी महंगा माइक की जरूरत नहीं पड़ेगा। जस्ट आप अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके ऐसा वाला वॉइस पा सकते हैं एंड वो भी बिल्कुल फ्री में बिना कोई मेहनत के। अभी जो आप लोग देख सकते हैं ये जो वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है वो इसी फोन से रिकॉर्ड हो रहा है, इसी माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 4 हेलो। सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द अदर वीडियो। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं 2 ऐसा प्रोसेस 2 ऐसा ट्रिक जहां से आप अपने वॉइस को पूरा HD क्वालिटी में रिकॉर्ड कर सकते हैं, HD क्वालिटी में अपना वॉइस को एडिट कर सकते हैं। ऐसा होता है कि बैकग्राउंड साइड में आपका फैन चल रहा तो आपका साउंड आ जा रहा, कोई ऐसा बाहर में चिल्ला रहा तो आपका साउंड आ जा रहा, तो ये बैकग्राउंड का जो नॉइस होता है वो नॉइस आप यहाँ पे पूरा हटा सकते हैं एकदम फ्री में। उसके लिए आपको कोई भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आज हम जो है आपको 2 ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं जहां से आप लोग ये वॉइस रिकॉर्ड करके HD क्वालिटी में यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। जो पहला वाला ट्रिक होने वाला है वो ट्रिक है जो मेहनत करते हैं उन लोगों के लिए, और जो दूसरा वाला ट्रिक होने वाला है जो आलसी बंदा है उन लोगों के लिए। आलसी इसी कारण बोलता हूँ कि इसके लिए आपको कोई भी यहाँ पे काम नहीं करना पड़ेगा, AI जो है आपके लिए ये एडिट करके दे देगा। तो कैसे कहां से चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल में आए हो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करो, चैनल करो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोजाना कुछ ऐसे वीडियो लेकर आता हूँ। तो चलिए देर न करके वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग सबसे पहले रॉ फुटेज देख लीजिए, इसी रॉ फुटेज का हम यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस रिमूव करने वाले, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए ताकि यहाँ पे समझने में आसानी हो। यार मेरे जैसा क्या आपके बैकग्राउंड में भी साउंड आता है इतना सारा? यार क्या बताओ यार, जब भी मैं शूट करने जाता हूँ तभी मतलब इतना साउंड, इतना काई किचिल लगा रहता है मेरे यार बैकग्राउंड के अंदर, मैं कैसे शूट करूँ यार। और ये भी लो, इसका भी साउंड आ गया पूरा, जो बोला पूरा यहाँ पे कट करना पड़ेगा, क्या करो यार। और यहाँ पे लोग चिल्ला भी रहे, एक मिनट। अरे बाबू भैया बहुत तेज, कुछ सुना आप लोगों ने? कुछ सुना? अरे क्या करो, ऐसे करते करते वीडियो में कब शूट करूंगा यार, कब मैं वीडियो शूट करूंगा, कब आप लोगों को दूंगा यार वीडियो। ऐसा अगर नॉइस है बैकग्राउंड में तो कैसे मैं वीडियो शूट करूंगा, मतलब क्लियर साउंड भी नहीं आएगा सर आप लोगों को यहाँ पे, क्या करते हो यार। इतना भयंकर बैकग्राउंड नॉइस रिमूव करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली जो एप्लीकेशन का नाम है वो है यहाँ पे लेक्सिक्स ऑडियो एडिटर। तो आपको सिंपली इसको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना होगा, उसके बाद आपने जो वीडियो यहाँ पे शूट करके रखा है उस वीडियो को यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे शेयर कर देना पड़ेगा। उसके बाद मैं सिंपली इसको शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे जो आपको वीडियो टू ऑडियो में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे शेयर करने के बाद ही ये ऑटोमेटिकली ऑडियो में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे इस ऑडियो को थोड़ा एडिट कर देना पड़ेगा ताकि आपका ऑडियो जो है HD क्वालिटी में हो जाए। सबसे पहले आप लोग थोड़ा ऑडियो को यहाँ पे सुन सकते हैं, हमारा जो ऑडियो ओरिजिनल क्वालिटी में जो ऑडियो था वो सुन सकते हैं यहाँ पे। यार मेरे जैसा क्या आपके बैकग्राउंड में भी साउंड आता है इतना सारा? यार क्या बताओ यार, जब भी मैं शूट करने जाता हूँ तभी मतलब इतना साउंड, इतना काई किचिल लगा रहता है। चलिए अब इसको एडिट करते हैं। उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना होगा, उसके बाद इफेक्ट पे क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको सिंपली नीचे एक ऑप्शन दिख जाएगा नॉइस रिडक्शन करके, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आपको जो बैकग्राउंड का नॉइस है वो यहाँ पे रिमूव हो जाए। उसके बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में प्ले एंड स्टॉप करके ऑप्शन दिखेगा, आप सिंपली इसको प्ले करके नॉइस को जो है यहाँ पे ठीक ठाक करके सेटिंग कर सकते हैं, घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना होगा, उसके बाद आपका जो नॉइस है वो यहाँ पे पूरा रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपको जो यहाँ पे और एडिट यहाँ पे करना होगा, उसके लिए आपको फिर से 3 डॉट इफेक्ट्स एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे इक्वलाइजर का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे प्ले एंड स्टॉप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लेफ्ट साइड में, तो प्ले करके साउंड को पहले सुनिएगा, उसके बाद यहाँ पे सेटिंग को एडजस्ट करिएगा एंड देन यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा, तभी आपको यहाँ पे अच्छा क्वालिटी देखने को मिलेगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे अपने हिसाब से थोड़ा यहाँ पे बहुत एडजस्ट कर लेता हूँ, सुनते हुए मैं थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। और जो नीचे वाला साउंड है उसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो आपने फाइनल यहाँ पे रिजल्ट दिया है उसको साउंड आप यहाँ पे घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल यहाँ पे अपने हिसाब से सेटिंग कर लेना होगा, तो मैं सिंपल यहाँ पे सेटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं सिंपल यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो फाइनल प्रोजेक्ट था वो यहाँ पे रेडी होके आ गया, अब इसको कर लेते हैं सेव। तो उसके लिए आपको सिंपली ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो फाइल है वहाँ पे आप सिलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। ये जो MP3 फॉर्मेट में सेव नहीं होगा, WMA फॉर्मेट में सेव होगा। MP3 फॉर्मेट में कैसे सेव करते हैं ये वीडियो के आखिर में बताया गया है, तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों हमारा जो दूसरा प्रोसेस है वो आलसी लोगों के लिए, इसके लिए आपको कुछ भी मेहनत करना नहीं पड़ेगा, जस्ट एक क्लिक।
दोस्तों दूसरा प्रोसेस के लिए आपको सिंपली एक वेबसाइट का जरूरत पड़ेगा। वेबसाइट का नाम है podcastadop.com। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी जाके वेबसाइट पे आप आ सकते हैं। तो वेबसाइट पे आने के बाद आपको राइट साइड में सिंपली एक अपलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने जो वीडियो यहाँ पे शूट करके रखा है उस वीडियो को यहाँ पे आप सिंपली अपलोड कर दीजिए। इसके लिए आपको ऑडियो में कन्वर्ट करके फिर अपलोड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जस्ट वीडियो को अपलोड करने में ही काम चल जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे वीडियो जो था मेरा मैं सिंपली यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने सिंपली यहाँ पे अपलोड कर दिया। यहाँ पे जो थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, ये जो थोड़ा टाइम लेगा एंड थोड़ा टाइम के बाद ही आपको जो है यहाँ पे रिजल्ट दे देगा। इसके लिए आपको कोई भी मेहनत करना नहीं पड़ेगा, जस्ट आपका इंटरनेट का स्पीड रहेगा तो ही चलेगा। तो देखते हैं कितने टाइम में यहाँ पे हमको जो है रिजल्ट आता है। तो गाइज यहाँ पे जो है ज्यादा टाइम नहीं लगता, हार्डली यहाँ पे 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है और आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे रेडी हो के आ गया। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसको डाउनलोड कर लेते हैं एंड आपको दिखाते हैं फाइनल रिजल्ट। यार मेरे जैसा क्या आपके बैकग्राउंड में भी साउंड आता है इतना सा, यार क्या बताओ यार, जब भी मैं शूट करने जाता हूँ तभी मतलब इतना साउंड इतना काई चीज लगा रहता है मेरे बैकग्राउंड के अंदर, कैसे शूट करूँ यार। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि बिना माइक के कितने अच्छे से हमारा वॉइस क्वालिटी यहाँ पे इंप्रूव हो जा रहा है। जस्ट मोबाइल से ही आप यहाँ पे रिकॉर्ड कीजिए एंड वीडियो शूट कीजिए एंड यहाँ पे आपको इतना अच्छा क्वालिटी का वॉइस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यही थी आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज एक बार लाइक कर देना, उसके बाद चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आप लोगों से रोजाना कुछ ऐसे वीडियो लेकर आता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही देखते रहे, सपोर्ट करते रहे ग्रो अप टेक को। Duration कम, information ज्यादा। गुड बाय।